देखिए, ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का टॉपिक है जिसमें हम बात करते हैं नायलॉन कैसे बनता है। नायलॉन जिसका नाम ही नायलॉन 6.6 है, न्यूयॉर्क और लंदन में एक साथ ये बना था, इसलिए इसका नाम नायलॉन रखा गया। इसकी प्रोडक्ट बन सकती है हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन और एडेबिक एसिड। याद रहे कौन सी पॉलीमराइजेशन है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, जिसमें एम्पेरिकल फार्मूला चेंज हो जाता है और एक बायो प्रोडक्ट बनती है। यूजली क्या बनती है, वाटर बनती है। तो ये एमसीक्यूज बहुत बार आ चुकी है कि हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन और एडेबिक एसिड के प्रोडक्ट क्या होते हैं। भाई नायलॉन 6.6 होती है, यह नायलॉन 6.6 किससे बनता है। एक और बड़ी अहम बात कि हेक्सा मिथाइलिन डायमाइन का फार्मूला भी पूछ चुके हैं, एडेबिक एसिड का फार्मूला भी पूछ चुके हैं। एडेबिक एसिड में देखो CH2 है और 4 है और दोनों कोने पे COOH है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मिसाल है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की ट्राइलीन। ट्राइलीन किससे बनती है भाई, ये भी दो चीज़ों से बनती है, टेरेफेथेलिक एसिड या 1,4-बेंजीन डाई कार्बोजिलिक एसिड। 1,4-बेंजीन देखो ये डाई कार्बोजिलिक फर्स्ट पोजीशन पे और फोर्थ पोजीशन पे, तो 1,4-बेंजीन डाई कार्बोजिलिक एसिड इसका IUPAC ने कॉमन नेम है टेरेफेथेलिक एसिड। दूसरी चीज़ क्या होती है, इथाइलिन ग्लाइकोल जिसका IUPAC नेम इथेन 1,2-डायोल होता है। इन दोनों के प्रोडक्ट से बच्चों टेराइलिन बन जाती है। यानी MCQs क्या क्या आई है पास पेपर में, टेरेफेथेलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइसोल से मिलके हमें क्या बनता है जी, ट्राइलिन बनती है। टेराफेथेलिक एसिड का फार्मूला पूछा है, IUPAC भी और हो सकता है स्ट्रक्चर देके फार्मूला पूछ लें। इसी तरह इथाइलिन ग्लाइकोल का IUPAC नेम पूछ सकते हैं, इथेन 1,2-डायोल, स्ट्रक्चर देके फार्मूला देके स्ट्रक्चर। ये सारी पॉसिबिलिटीज MCQs हैं, प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन बहरहाल आता है, आ चुका है, आ सकता है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ज़्यादातर पोर्शन थ्योरेटिकल है। हाँ, कुछ जगहों पे शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल है जो मैं अलग से कराता रहूँगा। बाकी ये कि NET के पास पेपर्स में चूँकि डेली अपलोड कर रहा हूँ, तो जो सब्सक्राइबर जितने भी आप लोग बन चुके हैं, बेल बटन दबा के रखें ताकि डेली की नई वीडियो पता चलती रहे।